नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, देश अभी आज़ादी की अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सरकारी भाषा में कहें तो अमृतकाल महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे आज़ादी के लड़ने वालों ने कुछ सपने देखे थे। उसकी प्राप्ति के लिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक, और क्या कुछ होना बाकी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दो बातें थी, उसमें थी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, जो शिक्षा हमारी किस तरह से होगी, और किसी भी देश के निर्माण में इन दो चीज़ों का बहुत बहुत मुख्य भूमिका होती है। तो इसी में शिक्षा के हालात को लेकर, देश में 75 साल के आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं और हमको कहाँ जाना था, इन दोनों दिशाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद अनीता रामपाल जी। इनसे बात करेंगे, समझेंगे जो आज देश की शिक्षा की हालत क्या है और हमने जो सपने देखे थे वहाँ कहाँ तक पहुँच पाए। तो मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे यही, जो अमृत काल में शिक्षा का हाल पहला तो क्या है देश में, दूसरा जो हमने उस समय जो गोल रखे थे या जो उस समय उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति की ओर हम कितना बढ़ पाए हैं और अभी हम कहाँ पर हैं। आप जब ये पूछते हो तो एक तरफ से तो हम जब जाते हैं 75 साल पहले या उससे भी पहले सोचने के लिए कि क्या सोचा था, क्या सपने थे और देश को लेकर क्या था। सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा की भूमिका थी कि लोकतंत्र क्या होगा, देश कैसा बनेगा। देश में इतनी अलग अलग तरह से असमता है, इतने तरह से मतलब बटा हुआ भी है, अगर पार्टीशन हुआ था तो इतनी बड़ी चुनौतियां जो सामने थी उसमें शिक्षा की बहुत भूमिका थी। आज हम भूल गए उसको शायद, तो इसलिए आज की बात करने से पहले थोड़ा सा पीछे देखें कि एक लोकतंत्र को समझने में और वोट हर एक के हाथ में देने में भी शिक्षा की क्या भूमिका थी। और हमारे लिए ज़रूरी, हम इलेक्शंस में बहुत सचेत हो जाते हैं, सब कुछ बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत बातें करते हैं, पर शिक्षा को हम हमेशा सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं तक क्या हो रहा है, पाठ्यक्रम क्या हो रहा है, पाठ्य पुस्तकों में आज क्या सब बवाल चल रहे हैं, उस तक हम सीमित कर देते। पर तब ये बात हुई थी कि क्या हर एक के पास वोट भी हो कि नहीं हो, क्योंकि जितने भी और डेमोक्रेसीज थी और लोकतंत्र थे उन्होंने हर एक को वोट नहीं दिया था। तो ये कहा था कि आपके पास ज़मीन है या प्रॉपर्टी है या आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं तभी आपको वोट निभाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हमारे देश ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया था जो हमारे देश के सोचने वाले थे, और उसमें गांधी और अंबेडकर अगर दो नाम हम लें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वोट जो है उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होगा, अनअडल्ट्रेटेड एडल्ट फ्रेंचाइज, हर व्यक्ति को, चाहे वो शिक्षित है नहीं है, गरीब है अमीर है, शहर में है गांव में है। और उस समय शिक्षा की अगर हम देखें साक्षरता दर तो लगभग आज़ादी के टाइम 12%, 10-12% लोग साक्षर थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में भी उन्होंने कहा था, और अंबेडकर ने तो कहा था कि अगर हम ये कहने लग जाएं कि सिर्फ शिक्षित को वोट मिलेगा तो ये एक दोहरी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमने इतने लोगों को इतने समय तक शिक्षा से वंचित रखा है और आज हमें कहें कि उनको अब हम लोकतंत्र से और वोट से वंचित रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना और अपने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को कि लोकतंत्र के साथ ये जुड़ा है। क्योंकि अंबेडकर जो हैं, जो वो जहाँ से पढ़ के आए थे, जॉन डुई, वो हमारे एक शिक्षा के विचारक माने जाते हैं। हम पढ़ते हैं जॉन डुई की किताबें, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं पर एजुकेशनिस्ट की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें शायद हम समता ला सकते हैं अपने समाज में, पर ये बंधुत्व कहाँ से आएगा, फ्रटर्निटी कहाँ से आएगी, और हम इतने बटे हुए, इतने अलग अलग तरह से अगर एक दूसरे को समझते ही नहीं है तो वो केवल स्कूल एक माध्यम बनेगा जहाँ हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, रहेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, सवाल उठाएंगे और एक दूसरे की ज़िंदगी को समझेंगे, दोस्ती बनाएंगे। तो इसलिए शिक्षा और स्कूल लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक स्थान है, मतलब हम उसको भूल नहीं सकते, स्तंभ है एक तरीके से, एक बहुत बड़ा स्तंभ है। तो हम जब कुछ भी शिक्षा में काम करते हैं, हम एक बीएड का पाठ्यक्रम बना रहे हैं या एक 5वीं क्लास की पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखते हैं। बिल्कुल, वो हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके स्तंभ जो है कि हम जो भी कर रहे हैं क्या वो डेमोक्रेसी के लिए,
चाहे वो इक्विटी के लिए, समता के लिए, चाहे वो फ्रीडम, जो हमारा पहला एजुकेशन कमीशन है 48 में जो बना, हम उससे हर रोज़ प्रेरणा लेते हैं। राधा कृष्णन उसके चेयरपर्सन थे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें डेमोक्रेसी की बात करनी है तो सबसे पहले फ्रीडम समझना है, और फ्रीडम सिर्फ हम एक शैक्षणिक संस्था में इसको हम उभार सकते हैं कि क्या मतलब सोचने का फ्रीडम, एक दूसरे को जानने का, सवाल उठाने का। और उन्होंने कहा, उस रिपोर्ट में लिखा कि टीचर्स जो हैं उनका दायित्व है कि वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद मुद्दों को क्लास में लाएं, डिबेट करें, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़, और उनको फ्रीडम मिले। आज जब हम सुनते हैं तो हम चौंक जाते हैं कि आज हमारे टीचर्स जेल में डाल दिए जा रहे हैं, उन पर केस कर दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स को किस लिए स्टूडेंट्स पे केस किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई सबका हक है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, पब्लिक एजुकेशन हो, फीस मत बढ़ाओ, और रिलीजन के माध्यम पर हमको अलग मत करो, है ना। तो इसलिए हमारे लिए और भी ज़रूरी है कि हम वो 75 साल की अपनी जो हमारा सफ़र है उसको हम समझें, और फिर देखें कि आज शिक्षा कहाँ है कहाँ नहीं है। वही मैडम, जब आप बात कर रही हैं तो बता रही हैं एजुकेशन का क्या था, जो आपके जितने विवादित मुद्दे हैं उनको समाज में खोलिए जिससे उनका विस्तार हो और लोग समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और जो एक दूसरे के प्रति कटुता है वो कम हो सके। लेकिन जब हम आज बात कर रहे हैं इस समय में, खासकर पिछले एक दशक की राजनीति को देखें या शिक्षा के दौरान जो बदलाव हुए उनको देखें, तो आपको क्या लगता है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या हम पीछे की तरफ और बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे बढ़ने की जगह? आज तो हम ये कह सकते हैं कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन संघर्ष रहा है। ये समता का संघर्ष भी है। हम आज भी नहीं कह सकते कि जिस तरह से सोचा गया था कि शिक्षा एक माध्यम होगी कि जो लोगों को अवसर मिलने चाहिए ज़िंदगी में अपने बेहतरी के लिए, अपने जीवन बदलने के लिए, और आज भी हमारे जितने गरीब से गरीब अगर अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, लोग हैं, तो जब उनसे बात की जाती है कि आप क्यों चाहते हो शिक्षा, क्योंकि लोग अब तक जो संपन्न हैं, हम लोग मिडिल क्लास, क्योंकि 1950s में हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी JP नायक कहते हैं, जब भी हमने बात की कि स्कूल एजुकेशन को सार्वभौमिक करो, यूनिवर्सलाइज करो, तो मिडिल क्लास ने कहा कि अरे वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो तो खेती करेंगे, सब्जी बेचेंगे, कुछ और काम करेंगे, अभी उन पे फोकस मत करो, अभी हायर एजुकेशन पे करो, अच्छी अच्छी संस्थाएं बनाओ, IIT बनाओ, ये बनाओ। तो ये हमारा एक ट्रेजेडी था कि 50s का दशक, जबकि इसको और सीरियसली लेना चाहिए था साथ, कि भाई हम आगे का इमारत नहीं बना सकते जब तक हमने अपनी बुनियाद को नहीं सही किया, जो और कई देशों ने किया, कि यूनिवर्सलाइज करना एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आया था कि 10 साल के अंदर हर एक को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी? क्यों आया था? क्योंकि वोटिंग के आधार पर। हाँ, हम आज सबको वोट दे रहे हैं, पर हम ये भी वादा कर रहे हैं कि हर जो सरकार है वो 10 साल के अंदर सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। पर वो भी फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आया, उसका फंडामेंटल राइट नहीं बना। बाद में बना RTE के तहत 14 साल 2010 में बना, 60 साल बाद बना। उस 60 साल में एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, जो और देशों में हम नहीं पाते, यहाँ के मिडिल क्लास सब ने मान लिया कि गवर्नमेंट एजुकेशन की गुणवत्ता कुछ नहीं है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय हैं, कुछ ऐसे विद्यालय जिनमें संसाधन बहुत अच्छे हैं, पर हमें अगर कुछ भी करना है तो हम अपने जेब काट कर भी हम प्राइवेट स्कूल में भेजें। तो ये जो है ना, ये ज़्यादातर दक्षिण एशिया में हम पाते हैं, और देशों में इस तरह से नहीं। और देशों में मिडिल क्लास प्रोफेसर्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो ये जो 60 साल का एक बहुत बड़ा जो एक चोट पहुंची है हमारे सिस्टम को, पब्लिक एजुकेशन को, वो ये भी थी कि जो जिस सीरियसली एक राइट बनना चाहिए था और उसको निभाना चाहिए था, वो नहीं निभाया गया। पर हाँ, मांग बनी है, और मैं कह रही थी कि गरीब से गरीब इंसान कहता है कि हमें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बन सके। वो इस पर बाद में आते हैं कि वो नौकरी कर सके नहीं, सबसे पहले अच्छे इंसान। अब कितनी सुंदर भावना है अगर लोग शिक्षा से ये अपेक्षा करें। हाँ, लेकिन मैम, जब हम बता रही हैं 2010 में जो शिक्षा का अधिकार आया, उसके बाद भी देखें जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए था, आज भी हम जब अब हाल में ही विवादित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिससे पहले भी हालांकि कुछ इलाकों में स्कूलों को मर्ज करने का, दूर दराज के स्कूलों को बंद करने की मुहिम चल रही थी,
और अभी तो और इस नई शिक्षा नीति के बाद आशंका जताई जा रही है, तो इस दौर को आप कैसे देख रही हैं, खासतौर पर जब आप जहाँ शिक्षा के विस्तार की बात होनी चाहिए थी और विस्तार करने की, वहाँ सरकार अपने हाथ खींच रही है, खासतौर पर व्यवसायीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर बढ़ रहे हैं, अब प्राइवेट कॉलेज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी देखिए और प्राइवेट स्कूल की तो अब गिनती नहीं कर सकती तो, लेकिन अब इस दौर में अब सरकार की भूमिकाओं को, जब एक समय हम शुरुआती दौर में पढ़ते हैं सरकारों का ये था जो शिक्षा सरकार का देना चाहिए, उसका एक काम है, उससे सरकारें अपने हाथ जो खींच रही हैं उसका प्रभाव कितना देखती हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में इसको कितना देखती हैं? वही सबसे ज़्यादा जो घातक अब की इस दौर का जो आ रहा है शिक्षा पर भार, के जो 2010 में हम कहते हैं कि आरटी आया, वो इसलिए आया, इसलिए ज़मीनी एक संघर्ष हुआ क्योंकि कहा गया कि सरकारें भी जो है वो गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, वो कह रही है कि हाँ हम सबको एजुकेशन दे रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल, साइन भी कर दिया इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, मगर वो एक शिक्षा मित्र दे रही है या कुछ ऐसे सुंदर सुंदर नाम के साथ गेस्ट टीचर्स दे रही हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स दे रहे हैं, नाम चाहे बहुत सुंदर दे दिया शिक्षा कर्मी या कुछ ऐसे, सैलरी उसकी इतनी कम रखी और दूसरा कोई सीरियसनेस नहीं है मतलब गुणवत्ता के प्रति, तो इसलिए फिर राइट टू एजुकेशन आया कि हाँ आप कह रहे हैं कि सबको एजुकेशन मिले पर उसकी गुणवत्ता कैसी हो, उसका टीचर कितना प्रोफेशनली ट्रेंड हो, हर एक को उठा के आप नहीं कह सकते कि हाँ पढ़ा दो, तो वो जो एक समझौता हो रहा था वो अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि हम देख रहे हैं एड्स, हम देख रहे हैं जो नीति, शिक्षा नीति जो कह रही है कि हर किसी को हम अंदर ले आए, हर किसी को कहें कि आप आइए प्लेयर्स बनिए, स्कूल खोलिए, राइट टू एजुकेशन पे तो बिल्कुल पानी फेर दिया इस नीति ने, क्योंकि जो मिनिमम जो मापदंड रखे गए हैं कि भाई किस तरह के टीचर हो, किस तरह का स्कूल हो, क्या हो, कुछ नहीं, ओपन स्कूल से करवा दो, है ना, तो ओपन स्कूल में कौन जा रहे हैं, जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल है, जो किसी बोर्ड से भी अफिलिएट नहीं होना चाहते क्योंकि उनके पास न टीचर है न उस तरह की संसाधन है, या जो ऐसे स्कूल जैसे राइट विंग स्कूल हैं या कुछ और, गवर्नमेंट जो अपने रिजल्ट्स अच्छा दिखाने में, दिल्ली गवर्नमेंट रिजल्ट्स अच्छा दिखाना है तो 9वीं से ही बच्चों को ओपन स्कूल में डाल दो, ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो शॉर्टकट बन गया है बाईपास, कि आप उसको बाईपास कर दो ताकि आपके रिजल्ट तो अच्छे आ जाएं, अब दिखाओ देखो बच्चों के इतने मार्क्स आए, इतने लोग पास हो गए और एडवर्टाइजमेंट में लाखों रुपए खर्चो, मगर हजारों बच्चों को आप बाहर फेंक दो कि अपने आप करो, अब ओपन स्कूल क्या है कि आपको बस सामग्री मिल जाएगी और जाके इम्तिहान दे दो, कोई पढ़ाने वाला है नहीं है, तो ये भी, और दूसरा जो कोचिंग इंडस्ट्री है, इस सब को बढ़ावा मिलता है जब एक सरकारी रूप से हम सीरियस नहीं होते कि एक सरकारी तंत्र कैसा होना चाहिए, तो ये सारे जो बाकी मुनाफा कमाने वाले लोग हैं, चाहे वो हाई क्लास हैं या चाहे वो लो कॉस्ट हैं, वो पूरी तरह से घेर लेते हैं और वही हो रहा है, और अब तो ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ स्कूल थे उनको भी लोग कह रहे हैं कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम बुला दें या कुछ भी बुला दें कि नहीं प्राइवेट स्कूल खोल लो, यहाँ भेज दो, सरकार ने ही मर्ज कर दिया, आपको खुद पता है नीति कह रही है कि ये इक्विटेबल नहीं है, अगर कम एनरोलमेंट है तो वो वैलिड नहीं है, तो आपको पता है कि आदिवासी इलाके से हज़ारों स्कूल, एक स्टेट में हज़ारों स्कूल बंद हुए हैं क्योंकि एनरोलमेंट कम है, तो जो एक पहले का एक जो एक वादा किया था, आप तो बहुत बिल्कुल चुपचाप आपने उस पर अपना हाथ ही उठा लिया, और अब मैं देख रही हूँ, अभी मैं पॉलिसी पोजीशन पेपर्स पढ़ रही हूँ, कर्नाटका में हर पोजीशन पेपर में साइंस करवाना है तो इसके एक्सपेरिमेंट सीएसआर से आएंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सरकार ये भी नहीं कह रही कि हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं और वो विज्ञान आप जब तक हाथ से नहीं करोगे और प्रयोग नहीं करोगे तो क्या विज्ञान पढ़ोगे, आप नाम के लिए पढ़ोगे, तो हर चीज़ में कॉरपोरेट पर डाला जा रहा है, तो ये तो वो 75 साल क्या हम उससे कहीं पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उस समय एक स्वप्न ही नहीं था, एक निष्ठा भी थी कि ये होना चाहिए और ये नहीं होगा तो ये देश नहीं होगा, जिस तरह का देश समझा जा रहा था। हालांकि सरकार के पक्षकार इसमें एक बड़ा अभी मैं कोई आर्टिकल ही पढ़ रहा था, किसी ने लिखा, उसमें वो कंपैरिजन कर रहे हैं 1952 में कितने स्कूल्स थे, अभी कितने स्कूल्स हो गए, साक्षरता दर बढ़ गई है, लेकिन साक्षरता दर का बढ़ना और स्कूलों का नंबर या कॉलेजों के इंस्टीट्यूशन के नंबर बढ़ना,
तो क्या ये गारंटी है जो हम जो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं मॉडर्न सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, ठीक है जहाँ हम थे वहाँ से ऊपर तो उठे हैं, वो तो बहुत हुआ है, मतलब इससे नकारा नहीं जा सकता कि हम सरकारी आंकड़ों में नहीं जाते हैं जब हम शिक्षा में काम करते हैं, और तरह के आंकड़े भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि किसी का नाम लिखवा दिया तो आप कहते हो एनरोल हो गया, वो बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनको आप भगा रहे हो, हम कहते हैं पुश आउट, जैसे यशपाल कमेटी ने कहा था, ड्रॉप आउट नहीं होता, उसको पुश आउट किया जाता है सिस्टम से, तो इसलिए वो हमारे लिए कोई आंकड़ा नहीं होता, आप दिखा दीजिए 100% एनरोलमेंट होनी, पर वास्तव में क्या है, हाँ बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी फर्स्ट एजुकेशन जो कोठारी कमीशन एजुकेशन रिपोर्ट जिसने स्कूल की बात की थी नेशनल डेवलपमेंट के लिए 64 में, उस टाइम तक पॉलिसी में भी लिखा जाता था कि फंक्शनल लिटरेसी या फंक्शनल एजुकेशन के एक तो फॉर्मल होगा और एक नॉन फॉर्मल भी होगा, क्योंकि तब तक ये नहीं माना जाता था कि हर बच्चे को फॉर्मल स्कूल मुहैया करा सकते हो या करा भी पाएंगे, तो इस तरह से बातचीत होती थी, पर अब आरटीई के बाद तो सवाल ही नहीं है, हर एक का हक है, मतलब वो कोई ये नहीं कह सकता सरकार में 5 साल बाद अब इतने प्रतिशत बच्चों को दूंगी, नहीं, उस दिन से सबका हक है, और अच्छी गुणवत्ता वाला जब आप पढ़ते हैं अब राइट टू एजुकेशन, उसमें ये भी कहा जाता है कि आप किस तरह से खोज करके एक्सप्लोरेशन से, और बच्चों के लिए भी कि वो अलग अलग लोगों के सुने कि उनके क्या विचार हैं, उसके आधार पे अपने विचार बनाएं, अपनी क्षमता बनाएं, अपनी अभिव्यक्ति बनाएं, ये हमारा एक्ट कह रहा है, मौलिक अधिकार है, कहाँ है ये, किस स्कूल में दिख रहा है आपको, चाहे वो बहुत फीस ले रहा है चाहे वो नहीं भी फीस ले रहा, तो ये हमारे लिए चिंता की बात है कि हाँ बहुत लोग आए यूनिवर्सिटीज़ में भी, यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 10-15 साल में कमाल का एनरोलमेंट बढ़ा है, जिसमें महिलाएं बहुत आई हैं, कई कई जगह कई कोर्सेज में महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुष, क्योंकि पुरुषों को लड़कों को ये लग रहा है कि हमें आगे इससे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, तो अगर काम मिलता है तो उन पर काम का भार आ जाता है, वो पहले उसमें चले जाते हैं, पर महिलाएं आ रही हैं, बराबरी भी है, मगर अब पिछले कुछ साल में 2019 में अगर हम देखते हैं तो चिंता क्या है कि जो 11% इंक्रीज़ है वो डिस्टेंस एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन, जो ये ऑनलाइन एजुकेशन, जो कोई एजुकेशन नहीं है, जो कि कोई माध्यम नहीं है, ये कहने के लिए कि जो हम कह रहे हैं, जिसके खासकर अगर कोई पहला जनरेशन पहली पीढ़ी है जो पढ़ के आ रही है यूनिवर्सिटी में आना है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो यूनिवर्सिटी आके एक दूसरे के साथ मिले, अपनी समझ बनाए, क्योंकि ऑनलाइन से कुछ नहीं होता, ऑनलाइन है कि आप मजबूर हैं, आप कुछ और भी काम कर रहे हैं, कुछ और संभाल रहे हैं, और फिर आप साथ साथ वो करना चाहते हैं, तो एक मजबूरी का एक आपका एक राह है आपके लिए, पर ऐसे नहीं है कि हर एक को हम कहें कि अब ये पॉलिसी तो कहती है कि हायर एजुकेशन में अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो तो ऑनलाइन ही एक रास्ता होगा, तो मतलब साफ कह दिया कि हम अब कोई और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, और आपको पता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपको पता है कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क्या हाल हुआ है, 2014 के बाद आधे सीट्स हो गए, आधी सीट्स खाली हैं, और 400 कॉलेजेस बंद हुए क्योंकि मांग ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को आप बुलाते जाइए उसकी गुणवत्ता नहीं होगी और फीस इतनी ज़्यादा होगी तो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे, लोग यूक्रेन जाएंगे, चाइना जाएंगे, यहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ उनके लिए सस्ता और अच्छा कोर्स मिलता है उनको, यही तो हो रहा है ना, इंजीनियरिंग को बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में पैसा है, आप आसानी से एडमिशन मिल रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में उस तरह की डिमांड नहीं है उनकी, तो इसलिए वापस जा रहे हैं। लेकिन मैडम अगर हम एक बार वापस जाएँ, जो आप शुरुआत में बात कर रही थी, जो शिक्षा का एक माध्यम होता है जिससे आप डिबेट करें जो कॉन्ट्रोवर्सियल इशू हैं, जैसे जाति धर्म या बाकी और भी कोई इशू, जेंडर से लेके बाकी चीज़ों पे हम यहाँ डिबेट करने के लिए उस पर एक राह निकाल पाएँ, लेकिन हम पिछले कुछ दौर में खासकर जब से सत्ता परिवर्तन राजनीतिक दूसरे तरीके से बदली है, उसमें हम देख रहे हैं डिबेट तो छोड़ी चर्चा करने पर भी अब पाबंदियाँ हो रही हैं, उस दौर में शिक्षा के आज़ादी या आज़ाद भारत में शिक्षा का महत्व और कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको लेकर हमें किस तरह से गंभीर होना चाहिए? बिल्कुल गंभीर, इसलिए क्योंकि एक डिबेट का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम अलग अलग पोजीशंस या आइडियोलॉजी, डिबेट का मतलब ये भी है कि तुम जिस तरह से सोशलाइज होके आए हो, मैं जिस तरह से सोशलाइज होके आई हूँ, जिस माहौल में मैंने अपने विचार बनाए, अपनी समझ बनाए, चाहे वो इतनी छोटी सी चीज़ हो सकती है कि भोजन क्या होता है, खाना किसको कहते हैं, फूड किसको कहते हैं, है ना, इतनी सिंपल सी चीज़ हो सकती है, उसके लिए भी
हमें बातचीत की ज़रूरत है। चाहे प्राइमरी स्कूल में भी हम ये नहीं शुरू कर देते कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और ये सब फूड होता है, हम ये कहते हैं कि किसको हम फूड कहते हैं और वो कल्चर के साथ, हमारे इकोलॉजी के साथ, हर एक चीज़ के साथ बंधा हुआ होता है। हर इंसान हर कुछ खाता है या खाती है, हाँ, जहाँ भी हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जहाँ उसके उपलब्ध, हाँ। और हम ये कहना कि मेरा ही सबसे श्रेष्ठ है और तुम जो खा रहे हो वो खाना नहीं है, तो इसकी समझ भी तो बचपन से ही बनेगी। ये एक जो समझ बननी, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि इन मुद्दों पर बातचीत हो और अलग अलग तरह से सामने हमारे वो चित्रण हो कि ये सब चीज़ें जो हमारी हम डाइवर्सिटी कहते हैं, वो सिर्फ 26 जनवरी को अलग वेशभूषा पहन के नाचना नहीं है, तो वो डाइवर्सिटी में डिफरेंस भी है। डिफरेंस का मतलब जिसमें समता ना भी हो, ये भी समझना है। मतलब विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट, हाँ, वो भी है और डिसएडवांटेज भी है और इनइक्विटी भी है। आखिरी मैम एक सवाल, जो आपको इस पूरे माहौल में, जो शिक्षा बढ़ रही है, अभी तक हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं, इससे बेहतर भी हो सकते थे या हम यहीं होते, ये भी हो सकता है, आगे की संभावनाएं आप कैसे देख रही हैं और आगे के भारत बनने में, जो 75 साल से आगे का भारत बनाएंगे, उसमें शिक्षा का योगदान कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि आज जिस तरह से ये NEP का आगे जिस दो हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है माहौल, जहाँ जिन जिन स्टेट्स में हो रहा है, कुछ स्टेट्स हैं जो कह रहे हैं हम अपने समझ से काम करेंगे, बाकी जगह पूरी तरह से केंद्रीकरण है, पूरी तरह से सेंट्रलाइज करके कहा गया है कि अब आप SCERT में 25 पेपर्स लिखिए, ये करिए, उसका क्वेश्चंस भी दिए गए उसी तरह से लिखिए। तो शिक्षा में सेंट्रलाइजेशन तो बिल्कुल ही कोई एक सही रास्ता नहीं है। दूसरा, उसमें जो सेंट्रलाइजेशन है उसके फोकस एरियाज भी प्रॉब्लमेटिक है। हम नॉलेज ऑफ इंडिया को कैसे समझते हैं, हम अपने देश के ज्ञान को और अपने लोगों के ज्ञान को कैसे समझते हैं, वो ऐसे नहीं है कि हम कुछ इमेजिन करें और कहें कि देखिए हम सबसे श्रेष्ठ थे। हमारे मुदलियार कमीशन ने हमको बहुत पहले 52 में कहा था कि अगर हम ये कहेंगे कि माई कंट्री द बेस्ट ऑलवेज, तो वो बहुत, वो पेट्रियाटिज़म नहीं है, वो जागन है और वो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फिर हम जब समझेंगे नहीं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको ठीक कहाँ करने जाएंगे? हम खुश रहेंगे, हम सब कुछ इमेजिन करेंगे, तो ये दुनिया में, हाँ, गलत तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह से सोशल साइंस पढ़ाया जाए, जिस तरह से साइंस पढ़ाया जाए, हमारे सामने ये चीज़ें हैं कि जो आ रहा है वो कितना प्रॉब्लमेटिक है। अभी हम बात कर रहे थे कि कर्नाटका में कहा गया कि अंडा नहीं देना बच्चों को मिड डे मील में, ये तो बहुत ख़राब है उनके लाइफस्टाइल के, जबकि 70-75% लोग नॉन वेजिटेरियन हमारे देश में हैं, पर हम ये नहीं समझते और बच्चों में इतना कुपोषण है। तो इसलिए ये जो एक दौर है वो केवल कम समय का नहीं है, क्योंकि ऐसी समझ वाले लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में भी लिया जा रहा है, जो हमारी बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, बहुत कम है, हमें और ज़रूरत है, मगर जो हैं, चाहे वो JNU है, जामिया है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उनको कैसे और ज़्यादा सुदृढ़ करें। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर हम आज के इस माहौल में देखेंगे, जैसे हम लोगों को ला रहे हैं, जो कोर्सेज बना रहे हैं वो भी केंद्रीय, और जिस तरह से रिक्रूट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत लंबा समय है, क्योंकि ये तो ऐसे लोगों की, ऐसे समझ वाले लोग जो एकेडमिक नहीं समझ बना पाते और बहुत एक अपने ही किसी ओपिनियन को लेकर सोचते हैं कि यही एक शिक्षा का मुद्दा है, वो तो फिर अगले 20-30 साल तक उन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो जो हम लोगों ने आज तक जिस तरह की एक समझ बनाई भी है और जो हमारा स्कॉलरशिप है अलग अलग विषयों में, वो कहाँ जाएगा? लोगों को वो माहौल ही नहीं मिलेगा कि वो उसको समझें भी, जाने भी। यानी कि अभी हमको शिक्षा पे और काम बेहतर करने की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है शिक्षा पर फोकस करके, और लोगों की मांग होनी चाहिए, लोगों की मांग होनी चाहिए। लोग क्यों नहीं मांग करते कि ये इस तरह से इम्तिहान लेना कोई इम्तिहान नहीं है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी आप, हाँ, CUT और मल्टीपल चॉइस और इस पर आप सारा कुछ तय कर लेते हो, चार ऑप्शंस दिए, यही पढ़ाते हो, ऐसे ही करते हो,
कोचिंग में डालना पड़ता है। तो माँ बाप को आवाज़ उठानी है, समाज को आवाज़ उठानी कि ये शिक्षा, ये बच्चों का अधिकार है और इस तरह की शिक्षा नहीं, तो उसके बिना बहुत आगे तक हम नहीं जा पाएंगे। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। अभी आपने सुना शिक्षाविद अनीता रामपाल जी को, इनका कहना है शिक्षा हर एक बच्चे का अधिकार है जो अंत की सार है, और उसके लिए समाज को और उनके परिवारों को ही लड़ना होगा, अगर नहीं लड़े तो वो अधिकार को बचा पाना भी मुश्किल होगा। इस आज़ादी के उत्सव में हमें ध्यान रखना होगा, अपने अधिकारों की रक्षा भी हमें खुद ही करनी होगी। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।